तो ऐसे क्वेश्चन क्या है ना मतलब हम लोगों को क्या करना है एक एरे दिया हुआ रहेगा हमें तो हमें वहाँ पर क्या करना है सम समीक्वेंस निकालना है और जो सबसिक्वेंस लेंगे ना उसमें कोई भी तीन कंजर्वेटिव एलिमेंट नहीं होना चाहिए ओके okay, आप दो कंजर्वेटिव ले सकते हो एक एक लेके फिर एक छोड़ के दूसरा ले सकते हो बट तीन कंजर्वेटिव नहीं ले सकते ठीक है बस ये कंडीशन है आपको मैक्सिमम सम निकालना है सब लेना है ओके okay? जैसे यहाँ पर देख लो वन टू थ्री है तो यहाँ फाइव हो गया सिंपल सा आप थ्री टू ले लो क्योंकि आप पूरा थ्री टू वन नहीं ले सकते क्योंकि वो तीन कंसेक्यूटिव फिर यहाँ हो जाएगा फिर जैसे ये हो गया आपका ये एक एरे दिया हुआ है तो आंसर हो 5, 0, 1, क्या क्या गया फाइव जीरो वन थ्री यहाँ क्या कह लिया हमने थ्री थाउजेंड टू थाउजेंड और थ्री और टेन ओके थ्री थाउजेंड टू थाउजेंड वन थाउजेंड नहीं ले सकते क्योंकि फिर यहाँ थ्री हमारा कंसेक्यूटिव हो जाएगा तीन यहाँ पर इसलिए ये हज़ार नहीं लिया हम लोगों ने थ्री थाउजेंड टू थाउजेंड फिर थ्री थ्री टेन ले लिया इसी तो तरह आगे भी एक्जाम्पल्स दिया हुआ है तो हम यहाँ देखिए हमें तो पता नहीं है किसे उठाना है किसे नहीं उठाना है सब में मैक्सिमम करने के लिए मतलब हमें सारा पॉसिबल केसेस देखना पड़ेगा सिंपल सब बात है यहाँ डाइनिंग प्रॉब्लम लगेगा यहाँ पर आराम से ठीक है तो मैं क्या एग्जाम्पल लिया हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सेवन एट तो हम क्या करेंगे ना वही सेम काम करेंगे पीछे से आई करेंगे आगे से भी कर सकते हो मैं पीछे से प्रेफर करता हूँ ज़्यादा सही लगता है ठीक है तो हम हमारे पास तीन केस होगा ओके हमारे पास थ्री केसेस होंगे ठीक है फर्स्ट केस में क्या करेंगे हम लोग करंट वैल्यू जैसे मान लीजिए हमारा करंट वैल्यू अभी ये है एट पे है ओके तो क्या करेंगे इसको नहीं लेंगे हम लोग ठीक है एट को नहीं लेंगे और सिंपली इसको भेज देंगे कहाँ पर पीछे भेज देंगे रिकर्शन में एक ओके सेकेंड केस क्या है हम लोग एट को ले लेंगे ओके मैं अगर ले रहा हूँ तो यहाँ वन लिख देता हूँ ठीक है तो फर्स्ट टाइम ये वेट नहीं लिया तो यहाँ जीरो फिर मैं सेवन में भेजा तो मैं यहाँ भेज दिया वो बस भेज दिया ठीक है एट अब मैं ले रहा हूँ तो वन यहाँ कर देता हूँ अब इसको क्या करूँगा डायरेक्टली एन माइनस टू ए भेजूंगा मैं ठीक है थर्ड केस क्या है मैं एट को लूंगा एक एन माइनस वन को लूंगा और भेजूंगा एन माइनस थ्री में भेजूंगा ठीक है बस ये तीन केस देखना है हम लोगों को और इसमें जो मैक्सिमम आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है पहला क्या केस क्या मैंने बोला करंट एलिमेंट को नहीं लेना है और एक पीछे भेज देंगे ठीक है तो जब ये आएगा फिर ये अपने यहाँ से रिकर्शन चलाएगा ये तीन केस देख दे, दे, देख के ओके सेकेंड केस क्या मैंने बोला मैं एट को ले लूंगा और दो पीछे भेजूंगा ओके दो पीछे भेज दिया और थर्ड केस क्या होगा हमारा मैं एट को लूंगा और सेवन को लूंगा देखिए मैं यहाँ पर सिक्स पर नहीं भेज रहा हूं इसको क्योंकि फिर तीन हो जाएगा तो मैं यहाँ एन मैंने थ्री भेज दूंगा मतलब फाइव पर भेज दूंगा तो यहाँ पर कहीं कोई भी तरीके से कंजिक्यूटिव नहीं हो रहा है ओके ओके तो ये चीज हम यहाँ करेंगे अब चलते हैं थोड़ा सा इंट्यूशन ठीक है तो यहाँ भी आप मेमोराइजेशन समझ में आ जाएगा हम लोग सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे वन डी डी पी लेंगे ओके तो डी पी ऑफ एन का लेंगे और डी पी ओफ़ एन पे क्या स्टोर होगा हमारा जो यहाँ से लेकर जो करेंट वैल्यू है वहाँ तक का मैक्सिमम सम हम लोग डी पी ओफ़ एन में स्टोर कर देंगे ओके और ऑफ कोर्स इस तरह हम लोग तीन तीन केस लेंगे हर एक आई से तो कोई ना एक पोजिशन आएगा जो रिपीट कर रहा होगा तो वो यहाँ से मेमोराइजेशन हो जाएगा डी पी में ओके मैं इसका वो ट्री बना के नहीं दिखा रहा हूँ फिर बहुत लंबा हो जाएगा ओके तब ध्यान में रखना बस ये तीन केस देखना है ये तीन केस चला दो और मैक्सिमम निकालो तो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है तो कोर्ट की तरफ बढ़ते हैं हम तो देखिए मैंने जैसे यहाँ पर एक एरे ले लिया है और डी पी टेबल ले लिया है ओके नॉर्मल वन डी डी पी नीचे एन लिया सीन एन और फंक्शन में मैंने उसने भेज दिया मतलब लास्ट इंडेक्स तो बेस केस हमारा क्या हो रहा है देखिए बेस केस में यहाँ समझाता हूँ ऐसे मान लीजिए आप पहुँच गए एकदम तो यहाँ पर एंड पे तब तो रिटर्न ज़ीरो कर देंगे क्या ख़त्म अब मान लीजिए आप पहुँच गए तो फर्स्ट पोजीशन पर तो ऑफकोर्स इसके आगे तो कोई तीन केस नहीं लिखने जाऊंगा ना मैं तो सिंपली मैं जो फर्स्ट पोजीशन है उसी को रिटर्न कर दूंगा ओके अगर आप पहुंच गए सेकंड पोजीशन पे तो वहाँ भी कोई तीन केस नहीं बनता है हमारा सिंपली अभी दोनों को ले लो क्योंकि आराम से दो ले सकते हो साथ साथ कंजीक्यूटिव में तो दोनों को लेकर रिटर्न कर दो और यहाँ रहोगे तो यहाँ तीन केस जो होता है वो लगा देंगे हम लोग ठीक है अब देखिए तो यहाँ हमारा फंक्शन में एन लिया एन माइनस वन है मतलब एरे खत्म रिटर्न जीरो एन अगर जीरो है, मतलब फर्स्ट पोजिशन पे है ठीक है तो जीरो इंडेक्सिंग है ना तो फर्स्ट पोजिशन पे है तो रिटर्न क्या हो जाएगा हमारा एरे ऑफ जीरो एन वन है मतलब सेकेंड पोजिशन पे है और जीरो पे सिंटेक्स है सेकंड पोजीशन पे ऐसा क्या मैंने बोला दोनों ले लेंगे हम लोग तो एरे ऑफ जीरो और एरे ऑफ वन दोनों लेकर रिटर्न कर देंगे ठीक है ये हो गया मेमोराइजेशन वाला पार्ट डी नॉट इक्वल टू माइनस वन है तो रिटर्न कर दूंगा डी ऑफ एन यहाँ मैं एक, एक काम करना मैं भूल गया यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगा डी पी साइज ऑफ डी ओके ये पार्ट हो गया माइनस कर दिया अब फाइनली क्या करना है मुझे तीन केस करना है ओके तो DPF में क्या रखूंगा तो मतलब मैक्स बोला करेंट वैल्यू लूंगा ऑफ एन मतलब लूंगा और दो पीछे भेज दूंगा फंक्शन ऑफ एन माइनस टू में भेज दिया तीसरा मैंने क्या बोला मैं एन मतलब लिया प्लस एरे ऑफ एन माइनस वन लिया और तीन पीछे भेज दूंगा समझ रहे हो फंक्शन ऑफ एन एस थ्री भेज दिया मैंने यहाँ बताया एट को लिया मैंने सेवन को लिया मैंने और सीधा फाइव पे भेज दिया सिक्स पे नहीं भेजा क्योंकि फिर तीन कंज्यूटिव हो जाता ठीक है बस इन तीनों में जो मैक्स होगा वो हमारा डी पी ऑफ एन में आकर रिटर्न हो जाएगा बस यहाँ से हमारा मैक्स आंसर आ जाएगा बस यही क्वेश्चन था बहुत सिंपल से सोल्यूशन था बस आपको तीन ही केस देखना था आराम से ठीक है तो टाइम का बात करें हम लोग तो ओ ऑफ एन टाइम लग रहा है सिंपली सा क्योंकि हम लोग पूरा सिर्फ एर हाइड्रेट कर रहे हैं और स्पेस हमारा लग रहा है ओ ऑफ एन क्योंकि हम लोग यहाँ वन डी डी पी लिए हैं होप आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा ठीक है तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट डाउन करो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करो और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दो ठीक है तब तो तक तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अंटिल देन बाय बाय